श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, शिव पुराण के इस सीरीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। महादेव की कृपा आप पर और आपके समस्त परिवार पर सदैव बनी रहे। आइए आज की कथा हम आरंभ करते हैं। आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे शिव पुराण के 25वें और 26वें अध्याय का पाठ। महादेव जी का ध्यान करते हुए पाठ है हम आरंभ करते हैं। जय शिव शंभु जय भोलेनाथ। 25वां अध्याय। इस अध्याय में हम श्रवण करेंगे भगवान विष्णु से रक्षा की गुहार करना और वीरभद्र का सेना सहित यज्ञ स्थल में आगमन। ब्रह्मा जी आगे नारद जी से कहते हैं कि हे नारद, दक्ष इसके बाद भगवान विष्णु के पास जाकर कहने लगे, हे दया के सागर, दीन दुखियों के आप मित्र हैं, हे देवों के स्वामी, आप यज्ञ करता हैं, आप ही रक्षक हैं, अतः इस यज्ञ की एवं मेरी रक्षा आप ही करो। भयभीत हुआ दक्ष श्री हरि के चरणों में गिर पड़ा। तब भगवान विष्णु शिव का ध्यान करने लगे और दक्ष को उठाते हुए कहने लगे, हे दक्ष, मैं जो कहूँगा वह यथार्थ ही कहूँगा, इसे मंत्रों के समान प्रभावशाली और कल्याणकारी मानना। तुम शिव तत्व से अनभिज्ञ होने के कारण उनका अपमान कर बैठे और उन महेश्वर के अपमान से हर कार्य निष्फल निष्प्रभावी हो जाता है, हर कदम प्रतिकूल सा प्रतीत होता है। दरिद्रता, मृत्यु एवं भय तब उत्पन्न होते हैं जब पूजनीय लोगों की पूजा नहीं की जाती है तथा अपात्र व्यक्ति को सम्मान दिया जाता है। इसलिए तुम्हें भगवान शिव का सम्मान करना चाहिए। यद्यपि हम सभी राजा हैं, परंतु तुम्हारी दुर्बुद्धि के फलस्वरूप आए भी इस संकट को टालने में असमर्थ हैं। भगवान विष्णु के मुख से इन वचनों को सुनकर के तब दक्ष भयभीत और मौन हो गए। उसी क्षण शिव के द्वारा भेजा गया वीरभद्र अपनी सेना के साथ यज्ञ भूमि में जा पहुंचा। सभी सूरवीर पराक्रमी थे और गणों की संख्या अनगिनत थी। वे सभी भयंकर सिंहनाद करने लगे जिससे तीनों लोक गूंज उठा। दिशाएं अंधकार से ढक गई और आकाश धूल से मानो ढक गया हो। पृथ्वी, वन, कानन, पर्वत कांप उठे। समुद्र में ज्वार भाटा मानो आ गया ऐसा प्रतीत होने लगा। दक्ष भगवान विष्णु के चरणों में गिरकर कहने लगा, हे प्रभु, आपके बल से ही इस महान यज्ञ का अनुष्ठान मैंने किया था। आप कर्मों के साक्षी और यज्ञों के प्रतिपालक हैं, अतः आप ही इस समय यज्ञ की रक्षा कर सकते हैं। तब भगवान विष्णु दक्ष को शिव तत्व की महिमा बतलाते हुए कहते हैं, हे दक्ष, निसंदेह मुझे यज्ञ की रक्षा करनी चाहिए क्योंकि यही धर्म कहता है, परंतु जो सत्य है वह मैं कहता हूँ उसका श्रवण करो। हे दक्ष, पवित्र क्षेत्र तीर्थ स्थल नमिषारण्य में जो कुछ आश्चर्यजनक घटना घटित हुई थी शायद वह तुम भूल गए हो। क्या तुम अपने पापमय मार्ग में उसे भी भूल गए? हे दक्ष, तुम्हारी मदद करने वाला कहीं भी सम्मान नहीं पाता है। दुष्ट हृदय वाला यह देख नहीं पाता कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है। कोई भी पवित्र अनुष्ठान हमेशा सफल नहीं हो सकता है। कर्म और अकर्म के अंतर को तुम भुला बैठे हो। भगवान शिव के बिना दूसरा कोई कर्म में कल्याण करने की शक्ति देने वाला नहीं है। जो शिव की भक्ति के कारण शांत रहता है एवं स्थिर मन चित्त से उनका ध्यान करता है, उसे ही शिव कर्मों का फल शीघ्रता से प्रदान करते हैं। ईश्वर को न मानने वाले कल्पों तक नर्क में रह करके दुख को भोगते हैं। जो लोग केवल कर्म पर निर्भर रहते हैं वे उसके पासों से बंध करके जन्म जन्मांतर तक जन्म और मरण के चक्रव्यूह में
फंस कर पीराओं को भोगते हैं। ये वीरभद्र भगवान शिव के क्रोध के रूप में अवतरित हुए हैं। इनके लिए कोई कार्य असंभव नहीं है। जो इस समय महादेव के शपथ की अवहेलना करेगा वे सभी अभी ही भस्म हो जाएंगे। भगवान विष्णु के इतना कहते कहते वीरभद्र शिवगणों के साथ वहाँ आ पहुँचा। 26वां अध्याय। इस अध्याय में हम सुनेंगे भगवान विष्णु और वीरभद्र के बीच का संवाद तथा दक्ष के यज्ञ का विध्वंस। जय शिव शंभु, जय भोलेनाथ। ब्रह्मा जी आके नारद जी को कहते हैं, हे नारद, उस समय देवताओं और शिवगणों में भयंकर युद्ध छिड़ गया। एक एक करके देवता हार कर स्वर्ग लोक की ओर भागने लगे। युद्ध में पराजय की स्थिति को देख करके इंद्र, जो अभी तक उस युद्ध भूमि में टिके हुए थे, देव गुरु बृहस्पति को प्रणाम करके पूछने लगे, हे गुरुवर, इस युद्ध में विजयी रहने के लिए क्या यत्न करना होगा। तब बृहस्पति भगवान शिव शंभु का ध्यान करके कहने लगे, हे इंद्र, भगवान विष्णु ने जो पूर्व में कहा था वह सब घटित हो चुका है। अब जो कहता हो उसका श्रवण करो। न मंत्र, न औषधि, न ही काला जादू, न ही सांसारिक कर्म और न ही वेद, न ही गंभीर मनन और चिंतन, और न ही वैदिक ग्रंथ में इतनी सामर्थ्य और शक्ति है जो भगवान शिव को जान सके, ऐसा प्राचीन विद्वानों का मत है। शिव को हजारों वैदिक श्लोकों का अध्ययन करके भी जाना नहीं जा सकता है। शिव की कृपा से ही शिव तत्व को जाना जा सकता है। अतः हे इंद्र, तुम इस यज्ञ भूमि पर स्थित होकर के अपनी नादानी का परिचय दे रहे हो। भगवान शिव की आज्ञा से ही ये रुद्रगण इस यज्ञ में उपस्थित हुए हैं ताकि उनकी आज्ञा का पालन हो सके। इसलिए इसे रोकने का सामर्थ्य किसी में नहीं है। अभी इंद्र इसी चिंता में थे कि शिव के भक्त वीरभद्र ने इंद्र एवं लोकपालों को तीखे शब्दों का प्रयोग करके आहत कर दिया। इससे इंद्र और अन्य सभी देवता दसों दिशाओं में भाग खड़े हुए। तब सभी मुनि जैन और ऋषियों ने प्रार्थना करके श्री हरि की भी स्तुति की और रक्षा की गुहार करने लगे। ऋषियों और मुनियों की प्रार्थना को स्वीकार करके मैं और विष्णु वीरभद्र के सामने युद्ध की इच्छा से तब उपस्थित हुए। तब वीरभद्र ने बड़े ही कड़े शब्दों में फटकार लगाई। भगवान विष्णु उस समय हंसते हुए वीरभद्र से कहने लगे, हे वीरभद्र, मैं शिव भक्ति से विमुख नहीं हूँ, मैं तो स्वयं शिव का सेवक हूँ, बस इस यज्ञ की रक्षा करना चाहता था। दक्ष मेरे भक्त हैं और मैं भक्तों के ही वश में हूँ। मैं जानता हूँ कि आप शिव के क्रोध से उत्पन्न हुए हैं। मैं अपना कर्तव्य करूँगा और आप अपने धर्म को पूरा करें। तब वीरभद्र भगवान विष्णु से प्रसन्न होकर के कहने लगे, आप शिव भक्त हैं, यह बात मुझे अति ही प्रिय लगी। भगवान विष्णु को वीरभद्र तब प्रणाम करके कहने लगे, हम सभी शिव भक्त हैं और उनकी ही आज्ञा का पालन करते हैं। मेरे लिए आप में और शिव में कोई अंतर नहीं है। भगवान विष्णु वीरभद्र से तब हंसते हुए कहते हैं, हे वीरभद्र, तुम अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए बाणों से मुझ पर प्रहार करो, मैं स्वयं ही अपने आश्रम लौट जाऊंगा। तब विष्णु ने युद्ध के आरंभ के लिए पंचजन्य शंख को फूंक करके युद्ध की घोषणा की। वीरभद्र एवं शिवगण युद्ध भूमि में आ डटे। भगवान विष्णु और वीरभद्र में तब भयानक युद्ध आरंभ हो गया। वीरभद्र ने भगवान विष्णु के चक्र और धनुष को तीन टुकड़ों में तोड़ डाला। तब भगवान विष्णु ने उस युद्ध भूमि से पलायन करना उचित समझा। सभी देवता भली भांति समझ गए कि सती के अनादर की वजह से यह हो रहा है, और यदि वो भी यहाँ उपस्थित रहे तो निश्चय ही जलकर भस्म हो जाएंगे। इसलिए सभी वहाँ से अपने निवास स्थल की ओर चल पड़े। परंतु मैं दक्ष की मूढ़ता को देख करके विचार करने लगा कि मुझे क्या करना चाहिए। उस महान यज्ञ की अव्यवस्था और पूर्ण विनाश को देख करके स्वयं यज्ञ भी हिरण बन करके वहाँ से भाग खड़ा हुआ।
वीरभद्र ने जब देखा कि यज्ञ हिरण का वेश बदलकर आकाश की ओर भाग रहा है, तब उसे पकड़ लिया और सिर धड़ से अलग कर दिया। इसके बाद सभी ऋषियों और देवताओं के अंग को छिन्न भिन्न करते हुए वीरभद्र ने भृगु को पटक करके उसकी दाढ़ी बाल को नोच डाला। पूसा, जो दक्ष के द्वारा महादेव का अपमान करने पर दांतें निकाल निकाल कर हंस रहा था, उसके भी दांतों को वीरभद्र ने उखाड़ दिया। नंदी ने भग की आंखें निकाल दी, क्योंकि उसने ही दक्ष को सांप देते समय आंख मारी थी। स्वाहा, स्वधा, दक्षिणा, मंत्र और तंत्र को भी उन्होंने अपमानित और प्रताड़ित किया। डर और भय से अंतर्वेदी के भीतर छिपे हुए दक्ष को वीरभद्र ने बलपूर्वक घसीटते हुए पकड़ करके खींचा और घसीटते हुए पकड़ करके बाहर ले आए तथा मस्तक पे जोरदार तलवार से प्रहार किया। परंतु योग के प्रभाव से दक्ष का सिर अलग नहीं हो पाया, परंतु क्षतिग्रस्त अवश्य ही हो गया। तब वीरभद्र समझ गए कि अस्त्रों और शस्त्रों से इसके मस्तक को नहीं काटा जा सकता है। तब उन्होंने दक्ष की छाती पर पैर रख करके गर्दन को मरोड़ दिया, साथ ही उस दुष्ट दक्ष की गर्दन को यज्ञ कुंड में डाल दिया। दक्ष को पुण्यता जला हुआ देख करके वीरभद्र हंसने लगा और फिर वह कैलाश की ओर प्रस्थान कर गया। कैलाश पर वीरभद्र को देखते ही भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो गए। उन्होंने वीरभद्र को फिर सभी गणों का नायक बना दिया, उसे अध्यक्ष बना दिया। आज हम कथा को यहीं पर विराम लगाते हैं, कल आगे की कथा का श्रवण करेंगे। जय शिव शंभु, जय भोलेनाथ। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप पर सदैव बनी रहेगी।